तीसरा दिन की आगे की क्या रणनीति? ये लगातार चल रहा है और हम लोग इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और जब इंकलाब आता है तो इसी तरीके से आता है। पहले लोगों को समझानी पड़ती चीजें और उस चीज को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग इस चीज को आगे लेके जाएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे। आज ये यज्ञ भी किया गया है, आज ये नौजवान साथियों ने तय कर रखा था कि जो गलत तरीके के डॉक्टर हैं, गलत तरीके से लूट जिन लोगों ने कर रखी है अस्पतालों ने, उनके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया। अच्छा, स्वास्थ्य भी आपका कुछ? हाँ, थोड़ा तो जब तीसरा दिन है तो थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई है, अभी से ज्यादा तरीके से लड़ी जाएगी। शासन प्रशासन से कुछ लोग आए थे सुबह सुबह, एडीएम सिटी और एसपी आए थे दोनों मिलने, उन्होंने बताया कि 4 बजे करीब और जो है ये चीज वार्ता होगी, जो हमारे साथी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जाएंगे वार्ता करेंगे, अगर वार्ता सफल होती है जब देखते हैं क्या होगा। लगातार आपको समर्थन भी मिल रहा है? हाँ, बहुत समर्थन है और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इसमें सब लोग तैयार हैं। जो लोग नहीं भी आ पा रहे वो लोग भी, उनकी जो स्थिति है उससे व्यतीत है, परेशानी और दिक्कत नहीं। कहा जाए आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। थैंक यू। अपने विचार पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसमें रखेंगे, उसके बाद सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं मंच पे आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, माननीय नेमपाल गौतम जी। शाम कर लेंगे, शाम कर लेना, या मुझे वो दे दो बोतल, थोड़े दिन मंगा लेना, जब आएगा मैं सब कुछ कर दूंगा। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज आमरण अनशन जो सत्याग्रह कहीं भी अपना आप किसी का भी इलाज कहीं करा सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हम सब लोग गरीब लोगों की वजह से परेशानी है, इन गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको प्रधान बनकर